सर। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कैसे हो शिवप्पा? मैं अच्छा हूँ सर। तुम्हारा नाम तो सूरज है ना? जी हाँ सर। बताइए शिवप्पा, एसीपी के क्या हाल चाल है? सर मुझसे ज्यादा तो आपको अच्छी तरह पता है, एसीपी के साथ आप हमेशा रहते हैं, सो मुझसे ज्यादा आप उनके बारे में जानते हो। कितने सालों से आप उनके साथ हो? सर एसीपी जब एसआई बनकर आए थे तब उनके पुलिस स्टेशन में मैं पीसी के पद पर था, उसी समय से उनकी वैल्यू सुपर थी सर। ये हमारी गाड़ी है, हट जाओ। हे, सिर्फ गाड़ी चाहिए क्या? हमारी जरूरत नहीं है। मैडम रोज ये लड़के ऐसे ही करते हैं, ऐसी कंप्लेन आती रहती है, जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे ये सुधरेंगे नहीं। ये पांचों बहुत ही बदतमीज लड़के हैं शिवप्पा, इन्हें मारने के लिए 5 मिनट ही काफी हैं। आप खुद जाकर देख लीजिए, इनके लिए मेरी क्या जरूरत है। ठीक है मैडम। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? क्यों यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो? ओ अंकल, इधर आने का, अपना काम करने का और चुपचाप चले जाने का, समझे ना? निकलो निकलो। ए, जाओ जाओ। बड़ों से कैसे बात करते हैं पता नहीं है क्या? अंकल ये हमारी गाड़ी है, प्लीज हेल्प कीजिए। ए, तेरा अंकल हेल्प नहीं करेगा क्योंकि यहाँ हमारा राज चलता है। अब मैं ये डिपार्टमेंट की ताकत दिखा दूँ। इन लोगों को छेड़ा तो इतना गुस्सा आ गया क्या? अभी देख बम बेबी आ रही है, उसको भी छेड़ूंगा, कर ले जो करना है। हेलो बम बेबी। तो ये ले मेरी तरफ से ब्लास्ट। तुमने मेरे दोस्त को मारा? उसे ही क्यों, तुझे भी मारती हूँ। अच्छा तो बहुत ज्यादा उड़ रही है तेरी। अफसर से ऐसे बात करेगा? थोड़ा शांति रख, थोड़ा शांत हो जा। अब तू जा, मेरे दोस्तों को मारकर चाय पी रही है। तुझे चाहिए तो तू भी पी। अरे यार कौन है वो? वो लड़की हमारे लड़कों को मार रही है, देख के रहो, चलो। शिवप्पा इन कमीनों को उठाकर ले चलो। ठीक है मैडम। ओके। क्या शिवप्पा, ये तो किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं आप। लगता है आप फिल्में बहुत देखते हैं। सर मैं पहले श्रीदेवी की फिल्में बहुत देखता था सर, जब से हमारी मर्दिनी मैडम फील्ड में आई हैं, लगता है कि श्रीदेवी की फिल्म ही चल रही है, इसीलिए मैंने उसी तरह आपको सब बताया सर। अरे शिवप्पा सीधे मैटर पे आओ। शहर में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है सर, इसमें 4 गुंडे सबसे मुख्य हैं, सुखा, पच्ची, टायर, किंग, और ये चारों लड़के सूरी गैंग के हैं। सूरी को और इन चारों लड़कों को हमारे डिपार्टमेंट से हेल्प मिलती रहती है। क्या हमारे लोग हेल्प कर रहे? कौन है वो? एसआई कामराज सर। सर एक बार सूरी गैंग और इकबाल गैंग के बीच क्रिकेट ग्राउंड में झगड़ा हुआ था, तभी हमारे कामराज सर ने दोनों गैंग के लड़कों को अरेस्ट करके ले गए। वो जीप पुलिस स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची सर, रास्ते में ही उन्होंने दोनों गैंग के लड़कों को छोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसको सूरी को फोन करके बता दिया, उसने कहा शाबाश, और शाम को अपने बर्थडे पार्टी में उनको इनवाइट भी किया था। ये सब मेरी आंखों के सामने चल रहा था सर। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। शिवप्पा बात तो तुम्हें पता ही है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, एसीपी हॉस्पिटल में है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए माँ फिरा के बात करने के बजाय सीधे सीधे बताइए कि एसीपी की लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ डिटेल में मुझे बताइए। सर उनके एसीपी का चार्ज लेने के 2 दिन के बाद ही हम लोग जीप से जा रहे थे।
शिवप्पा, ये सारी होर्डिंग्स किसकी है बताओ? ये सूरी भाई की है मैडम। क्या कहा, सूरी भाई? हाई वाई छोड़ो, पॉलिटिशियन है क्या? नहीं मैडम। सोशल वर्कर है? एक तरह से सोशल वर्कर ही है। तकलीफ में लोगों को ब्याज पे पैसे देता है, अगर वो पैसे वापस नहीं लौटा पाते तो उनका घर, दुकान, जमीन कुछ भी हड़प लेता है मैडम। इसी तरह मजबूर लोगों की सहायता करता है, यही उसका सोशल सर्विस है। ओह, फाइनेंसर है क्या? इंटरेस्ट का काम करता है? एक तरह से सूदखोर ही है मैडम। ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे कि ड्रग्स का धंधा, खून, रेप, एक्सटॉर्शन, ऐसा कोई भी खराब काम नहीं है जो वो नहीं करता हो। इतना होने के बावजूद उसे डॉक्टरेट की उपाधि देने वाले बहुत लोग हैं। ऐसा काम करने वाले गुंडे को डॉक्टरेट की उपाधि कौन देने वाला है? उसे कोई देता नहीं है मैडम, ये पैसे के बल पर खुद ही ले लेता है, और इसके खिलाफ बोलने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं है? मैं हूँ ना शिवप्पा। आपको लाइव एक्शन पसंद है ना? यस मैडम। ये लो मेरा फोन, अब देखो मेरा लाइव एक्शन। यस मैडम। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? चल आगे, चल आगे, चल। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ट्रैफिक जाम हो रहा है। हाँ तो आप क्लियर कर दो ना मैडम, वो क्या है, आज हमारे भाई का बर्थडे है, इसीलिए सबको बिरयानी और शरबत बांट रहे हैं हम लोग। फॉर टीचर की शक्ल वाले, ट्रैफिक क्लियर करने वाली कांस्टेबल नहीं हूँ मैं, ACP मर्दनी हूँ। मैडम आई, और हमारे लिए कांस्टेबल हो या फिर ACP, दोनों सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। फर्क समझ में आ जाए अब ऐसा ही कुछ करूंगी। बुला के ला अपने भाई को। मैडम क्यों गुस्सा कर रही हो, शरबत पियो। तेरी तो, और टीचर है सारे के सारे। पान और शरबत का कॉम्बिनेशन पता है क्या तुम लोगों को? कुछ भी पता नहीं है ना, बिरयानी के साथ शरबत का कॉम्बिनेशन। ये ले तो ही। भाई के बर्थडे के दिन नौटंकी मत करो। बर्थडे है क्या, तो फिर घर में जा, होटल में जा, रिजॉर्ट में जाके सेलिब्रेट कर। वो सब छोड़ के पब्लिक को इस तरह से परेशान कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। मैडम हमारे भाई का बर्थडे सालों से ऐसे ही मनाते आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। ओ, ऐसा है क्या? एक पुलिस ऑफिसर आकर सेलिब्रेशन रोकने के लिए कह रही है तो तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा है ना? अपने स्टाइल में समझाती हूँ। ऐसे ही मारो। सर्कल पे झगड़ा हो रहा है, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। आ,
सिप्पी, तो किसके एरिया में है पता है ना? यहाँ आकर तेरे लड़कों को मारने के बाद भी ये एरिया तुझे अब भी अपना ही लग रहा है क्या? चार लड़कों को मार दिया तो खुद को बड़ा खिलाड़ी समझ रही है? तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, ये मेरा एरिया है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। अरे बेवकूफ, तेरा ये एरिया मेरे एरिया के पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। एरिया का कंट्रोल पुलिस के हाथ में होता है। ये सब आज के आज बंद हो जाना चाहिए। अरे कौन है रे पागल एसीपी, मेरे आने के बाद भी ऐसी बातें कर रही है? फाइट से पहले इसे मेरे बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया था क्या? तेरे लड़कों को तेरे इंट्रोडक्शन से ज्यादा मेरा इंट्रोडक्शन जिंदगी भर याद रहेगा। जल्दी जगह खाली कर दे। मेरे लड़के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले तू यहाँ से जगह खाली कर, समझे? ये जगह खाली करवाए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। जगह बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये जगह मेरी है, तुम मेरे एरिया में है। बड़े बुजुर्ग क्या कहकर गए हैं पता है? करोड़ों कमाकर शौक दिखाने वालों का क्या हुआ? शिवप्पा अगली लाइन। मौके खाकर सबके सब मिट्टी में मिल गए, अब तेरी क्या औकात है बोल रे छोरे। अब 30 मिनट के अंदर अगर ये जगह खाली नहीं की तो। अगर नहीं की तो शिवप्पा एक्शन देखना था ना? यस मैडम। नमस्ते मैडम, आप जाइए मैडम, मैं क्लियर करता हूँ। ए सूरी, जाना जाए यहाँ से। कामराज हाँ, 30 मिनट के अंदर ये जगह खाली हो जानी चाहिए और 1 घंटे के अंदर इसकी फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। यस मैडम। 30 मिनट भूलना नहीं। ये तो कैसा काम कर रहा है। मैडम 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 नमस्ते मैडम। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, सल्यूट मारना है क्या? क्लियर कर दूंगा मैडम, पहले काम पूरा करो। गन अंदर रख सूरी। सूरी, आज अगर तेरे बर्थडे पर नहीं आ होता ना तो तेरा डेथ डे मन जाता आज। सिचुएशन सही नहीं है। डिपार्टमेंट में तेरी मेरी दोस्ती एक ही फाइल में नहीं हो सकती है। थोड़ी सी भी अगर फिसलन आ गई तो तेरे साथ मैं भी किसी फाइल में लपेट दिया जाऊंगा। एसीपी मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, थोड़ी शांति के साथ डील करनी चाहिए। ओ मुझे बोल रहा हूँ ना, आज तेरा बर्थडे है, 4 दीवारों के बीच से अपने घर के अंदर ही मना, रोड पर नहीं। ए, ये सब क्या हो रहा है, क्या देख रहा है मुझे? चलो सब क्लियर करो, आओ। शिवप्पा आज से सूरी पर नजर रखनी होगी। हाँ मैडम। सूरी के एरिया में घुसकर खड़ी हुई एसीपी मर्दिनी, सूरी और उसके गुंडे को धूल चटाने वाली एसीपी मर्दिनी ने एरिया के आसपास के सभी गुंडों के अंदर दहशत पैदा कर दी। आई एम प्राउड ऑफ यू एसीपी मैडम। थैंक यू सो मच पापा, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है। वेलकम। इतनी जल्दी रेडी हो गई? प्लेट निकालो, मैं नाश्ता देती हूँ। प्लेट ऑलरेडी हाथ में है। ओ, रेडी होकर खड़ी हो गई क्या? थैंक्स मां।
हाय दीदी। हाय। कल रात को लेट आई थी क्या? काम ज्यादा था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। मम्मी मुझे भी नाश्ता दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ लेकर आती हूँ। और कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा है दीदी, नो प्रॉब्लम। कॉलेज एमजी रोड पर पड़ता है क्या, या फिर कहीं और शिफ्ट तो नहीं हो गया? नहीं दीदी, क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, एमजी रोड के सिग्नल पर किसी की बाइक पर मैंने शायद तुझे देखा था, इसलिए पूछ रही हूँ। मर्दिनी तेरी जो पूछताछ है स्टेशन पे कर, घर में नहीं। एमजी रोड पर एसपी मर्दिनी की छोटी बहन अंजलि बाइक पर बैठी हुई थी। सुनिए जी, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आप नाश्ता कर लीजिए। न्यूज़पेपर बीच में पढ़ने नहीं देती, इससे भी प्रॉब्लम है इसे। न्यूज़पेपर भी शांति से बैठकर पढ़ने नहीं देती है, नाश्ता तो बाद में भी हो सकता है। मर्दिनी अंजलि अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पर गई थी ऐसा लगता है ना, सही कहा ना? हाँ मम्मी। एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं देखा, फिर भी तूने सच बता दिया। फंस गई। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। बाय मर्दिनी। बाय। संभल कर जाना। संभल के जाना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं खुद ही डोर ओपन कर लूंगी, आप बैठिए। ठीक है मैडम। क्यों बे, पैसेंजर्स को क्यों नहीं बैठा रहा? सर एक प्रॉब्लम में आ गया था, इसलिए नहीं आ पाऊंगा बोला था सर। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है बोल। एक आदमी को इंटरेस्ट का पैसा देने जाना था इसलिए मना किया सर। अगर इतना ही अर्जेंट था तो शाम को भी तो जा सकता है, कोई मुहूर्त निकला है क्या? शाम तक अगर पैसा नहीं दिया तो मेरी फैमिली को तकलीफ होगी, ऐसा बोलकर घर में वार्निंग देके गया सर। वार्निंग है? कौन है वो, कौन है फाइनेंसर? सर हमारी मंदाकिनी सर। क्या? हमारी मंदाकिनी? हाँ सर। हमारी मंदाकिनी यार, आजा 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 आजा। क्यों रे, तेरा नाम क्या है? कृष्णप्पा है सर। कृष्णप्पा? अरे रे रे रे, मैं वही सोच रहा था, बहुत ही नसीब वाला है तू, आज तक के इतिहास में मंदाकिनी किसी के घर पर गई ही नहीं है, सब लोग उसका ही घर ढूंढ कर जाते थे, जहाँ उल्टा वो तेरा घर ढूंढ करके आ गई। बहुत पुण्य किए होंगे तूने, चोर कृष्णा है तो चोर कृष्णा है। सर मैंने सच बोला सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी हिसाब करके आता हूँ सर। जाएगा? ओ भाई बहुत ही अर्जेंट में है ये, अभी जाना है क्या? इतना अर्जेंट है? अरे रे 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 रे, मंदाकिनी के घर में इसे अभी जाना है। मैं बजाऊं बंसुरी, धुन पे मेरी नाचे तू, मैं बजाऊं। क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है ये सब? कौन हो तुम, क्या प्रॉब्लम है? नमस्ते मैडम, मेरा नाम कृष्णप्पा है। वो क्या है कि आज सुबह दीदी आप यहाँ तक क्यों आई? दीदी एक फोन कर दी होती तो मैं ही आ जाता। अच्छा, पैसा लेना होता है तो घर के दरवाजे पे आते हो, और ब्याज के लिए तुम्हारे पैर टूट जाते हैं क्या मेरे घर तक चलकर आने में? ब्याज मांगने के लिए फोन किया ना तो मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। ए, 3 महीने का ब्याज होता है 36,000, मैं यहाँ तक आई तो मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए 4,000 रुपए का फाइन देना होगा तुझे। टोटल तुझे मुझको 40,000 देने होंगे। अगर शाम तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी तू भी याद रखेगा। वार्निंग दे रही हूँ तुझे। दीदी दीदी मेरी बात सुनिए दीदी। चलो अपना काम कर। सुनो यार रवि चंद्रा, मुझे तुम लोगों से एक मदद चाहिए यार। क्या है कृष्णप्पा बोलो। तुम दोनों मिलकर अगर 30,000 का इंतजाम कर दोगे तो मैं थोड़े से पैसे मिलाकर मैं इंटरेस्ट का पैसा भर दूंगा। हम भी कृष्णप्पा तुम्हारी तरह ऑटो ड्राइवर ही हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है काम करते हैं, ऑटो के ऊपर लोन ले लेते हैं। ऑटो पे लोन लेना सही नहीं होगा,
तुम एक काम करो, मेरे पास एक गोल्ड चेन है, तुम इसे गिरवी रखकर पैसे ले लो। ये लो। थैंक्स रवि, बहुत जल्दी इस चेन को छुड़वा कर वापस कर दूंगा, चलता हूँ। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी लेकर चलो। नहीं मैडम, नहीं जा सकता। क्यों नहीं चल सकते? वहाँ जाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? मैडम मैं किसी काम से कहीं और जा रहा हूँ। अरे मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना, चलो जल्दी प्लीज। मैडम मुझे एक जरूरी काम है मैडम, इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, प्लीज उतर जाइए। मतलब तुम नहीं जाओगे? हाँ नहीं मैडम, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, चलोगे कि नहीं? नहीं मैडम, नहीं जा पाऊंगा। सर सर यहाँ आइए, जाने से मना कर रहा है। चलो चल कर देखते हैं। उतर तो, जाने के लिए मना क्यों कर रहा है? सर मुझे बहुत जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने जाने से मना किया सर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये चैनल वाले हैं, इनका स्टिंग ऑपरेशन है ये, अब चल स्टेशन। सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए इनको मना किया था सर, समझिए प्लीज। मुझे तेरी ये कहानी नहीं सुननी, ऑटो में बैठ, चल बैठ सर, और पुलिस स्टेशन चल। एक इंसान आकर खुद पर हुए जुर्म के बारे में बता रहा है, एक्शन लेने के बजाय तुम लोग खड़े होकर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? कृष्णप्पा जी, चलो चलकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शिवप्पा गाड़ी निकालो। यस मैडम। मंदाकिनी बोलो। कामा, कोई कृष्णप्पा नाम का आदमी स्टेशन आया था, एसीपी उसे लेकर तुम्हारे घर पर आ रही है। अच्छा, सावधान रहना, होशियारी से डील करना। ये सुबह का हिसाब है दीदी, और ये इतना हिसाब आया है। ए, एमएलए को 20 साल का ही चाहिए, जल्दी भेज दो। ठीक है दीदी, दोपहर तक भेज दूंगा। ठीक है। पैसे को लेकर आने के लिए बोला तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू पुलिस स्टेशन चला गया। एक पुलिस ऑफिसर यहाँ सामने खड़ी है और उसी के सामने आवाज उठा रही हो। तू ही है एसीपी, मैंने तो एसीपी नाम पे कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तू ही है क्या मंदाकिनी? मैंने सोचा था मंदाकिनी कोई खूबसूरत लेडी होगी शायद, तुझे देखकर तो लगता है परमानेंटली कबाड़ में खड़ी कोई गाड़ी है। ए, जुबान संभाल कर, तू मेरी जगह खड़ी है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुझे अभी बिल्कुल पता नहीं है। होम मिनिस्ट्री से लेकर कॉर्पोरेट तक सब मुझे सलाम ठोकते हैं। मुझे जो सलाम मारते हैं ना, उन्हें सैल्यूट करने वाली पोस्ट पर है तू। सल्यूट करना जिस तरह से मेरी ड्यूटी है, उसी तरह गलत रास्ते पर चलने वालों को सीधा करना भी मेरी ड्यूटी है। ये खाकी यूनिफॉर्म मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं पहनी, तेरे जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पहनी है। ये सूद खोरी को छोड़कर और कौन कौन से धंधे हैं, वो सब कुछ खत्म करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर मेरा वायलेंट रूप देख लिया ना, तो अपने सारे धंधे भूल जाएगी। पैसा पैसा है दुनिया, पैसा पैसा मुझसे ले और रानी की तरह जिंदगी बिता जाकर। तेरी तरह न जाने कितने ऑफिसर मेरी वजह से अपने सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं। मेरे घर पर आकर मुझे ही वार्निंग देती है, सिर्फ एक फोन कॉल तुझे तेरे डिपार्टमेंट वाले घर पर बैठा देंगे। देखना चाहती है क्या? मुझे तू क्या बिठाएगी बता, तुझे बिठाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ। चेहरा क्या देख रहे हो, मारो इसे। ये तो मैं कौन हूँ ये समझाने का सैंपल था बस। आज से सूद खोरी का धंधा और बाकी सारे धंधे बंद। कृष्णप्पा तुझे पैसे नहीं देगा, और अगर तूने ये सारे धंधे बंद नहीं किए तो गन में जितनी भी बुलेट्स हैं वो तेरे सिर में उतार दूंगी। फोन दे मुझे। ये लीजिए दीदी। सूरी, वो एसपी मेरे घर आई और मेरे सामने ही मेरे लड़कों को मारा।
और उसके साथ साथ मेरे सर पे गन रखकर मुझे धमकी दी उसने। उसने एक ही दिन में चौराहे पे मेरी इज्जत उतार दी। राक्षसनी है वो। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हमारा जीना हराम कर देगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसे साइलेंट करने का काम मेरा है। उसकी बात छोड़, कल कंस्ट्रक्शन में चल रही बिल्डिंग के सेटलमेंट के लिए बुलाया है। इस प्रॉब्लम को भी तुझे ही सॉल्व करना होगा। वो भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। ठीक है। एसीपी बहुत टॉर्चर है। अरे रे शादाब, कहाँ है तुम्हारा इकबाल भाई, आएगा नहीं क्या? आज इकबाल भाई के बड़े भाई इस्माइल भाई आने वाले हैं। इस्माइल भाई? अरे मैंने सुना है कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। पहले आने तो दो उन्हें यहाँ, इकबाल भाई से ज्यादा उनके बड़े भाई इस्माइल भाई सुपर हैं। एक बार में दो टुकड़े। क्या टुकड़ा है क्या पता, कुल मिला के मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही। चिंता मत करो, ये डील सक्सेस होगी। देखिए हमारे शेर इस्माइल भाई आ गए। नमस्ते। बैठिए बैठिए। क्या रे पट्टे बड़े भाई। अरे खड़े क्यों है, बैठिए ना। अरे पट्टे यहाँ पर जो भी आए ना, हाँ भाई, जब तक डील खत्म ना हो तब तक जाने मत देना। ओके भाई। कौन सा फ्लोर है? टॉप फ्लोर। चलो चलते हैं। शादाब, भाई ने कहकर भेजा है। ओके भाई। चाहे जो कुछ भी हो जाए खाली हाथ वापस बताना। ठीक है भाई, समझ गया ना। ओके भाई। हाँ तो सर, सर टाइम हो गया, कहाँ है अभी तक आए नहीं। आएंगे आएंगे, लीजिए अभी। अरे इसे देखो तो, बिल्डिंग के अंदर चश्मा लगा कर बैठा है। अबे सुखा, तू और तेरे कबाड़ी लोग जो है ना, उन्हें मैं अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए चश्मा लगा कर बैठा हूँ। सुनो नर, आइए, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन सब को मैंने अपने सपोर्ट के लिए बुलाया है। भाई इस मैटर में इन्वॉल्व है, ये जानने के बाद भी बुला लिया इसे। हे सुखा, आजा बैठ कर बात करते हैं, आजा। हे सुखा, इससे क्या बात कर रहा है तू? पेपर दे, ऑनर कर देगा। मेरे साइन कर। ए पच्ची, इस्माइल भाई बोल रहे हैं ना, चुपचाप खड़े रहो वहाँ। किसको खड़े रहने के लिए बोल रहा है यहाँ? ए सुखा, अपने इन मकड़ों को बोल कि चुपचाप शांति से खड़े रहें। ए इशू, तेरा भाई इकबाल कहाँ है भाई? उसे भी लेकर आता ना, दोनों की बैंड बजा देते हम लोग। तेरी तो कर रहे हो। ए, एक इस्माइल, सेटलमेंट में सूरी भाई कहाँ थे? इसीलिए अपने भाई को चुप रहने के लिए बोल। ए, मैं भी इसमें शामिल हो गया, सूरी ने सेटलमेंट में हाथ डाला है इसीलिए। मजाक मत कर इस्माइल। क्यों बे, डर गया क्या? अबे तू क्या मैं चिल्ला समझे? तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे। चलो चलो निकलो निकलो, भागो भागो।
बोल भाई, इस्माइल भाई को जान से मार दिया भाई। क्या? क्या सिक्योरिटी? हाँ मैडम। जब मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? नहीं मैडम, मैं नीचे था। कौन कौन आया था, देखा था? हाँ, आते हुए देखा था मैडम। पहचान सकते हो उन्हें? हाँ मैडम। शिवप्पा फोन दो। यही है मैडम, बहुत तेजी से निकले थे मैडम। शिवप्पा इन कमीनों को ट्रेस करने के लिए बोलिए। ओके मैडम, बोलता हूँ। इमीडिएटली बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके मैडम। हेलो, इसी वक्त सूरी का नंबर टैप करो। शिवप्पा मैडम, नंबर बताओ टैप करने के लिए। Doubt on anyone? No, we don't have any doubts. हमारे पास कोई क्लू नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, मैं खुद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू। मैम 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 प्लीज मैम सुनिए। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर इकबाल के भाई इस्माइल का खून हो चुका है। खून क्यों हुआ, किसने किया, ये अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरामैन गणेश के साथ रम्या। मैडम आइए सुनिए। भाई यस, हाँ। ओके मैडम। ये क्या कर डाला तूने? सिर्फ पेपर पे साइन करवाने के लिए बोला था, लेकिन तूने उसे मार डाला। सॉरी भाई, बात बढ़ती गई और फिर झगड़ा हो गया। तू बेवकूफ कहीं का, लड़कों ने उसे मार डाला भाई। आखिरकार बात मेरे तक आ गई ना, अब जो बोलता हूँ करो। मैं जब तक ना बोलूं तब तक अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है भाई। बाहर निकलने की गलती मत करना, न्यूज़पेपर जहां भी देखो हर जगह तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फंसा तो तुम्हारी तरह अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो आने के लिए बोलूंगा, उससे पहले मत आना। ठीक है भाई। लोकेशन ट्रेस हुई क्या? हाँ हो गया मैडम। सुखा, लगता है कोई गाड़ी घर आ रही है। जाकर देख कौन सी गाड़ी है। एसीपी सुखा आ रही यार, एसीपी मर्दनी आ रही है यहाँ पर। क्या कहा? एसीपी हम लोग यहाँ पर हैं, उसे कैसे पता चला? और कैसे, हमारे फोन को ट्रैक करते हुए यहाँ पहुँच गए होंगे। बेवजह मारे जाएंगे हम लोग। इसीलिए मैंने कहा था पहले एसीपी को उठा दे, तभी हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। क्या हुआ, आप उठाने की सोच रहे हो? अरे पुलिस वाली है वो,
हमारे घर पर आग लगा देगी, हमारा एनकाउंटर कर देगी वो। सुखा, अगर हमने इसको नहीं उठाया ना तो ये एसीपी हमें दुनिया से उठा देगी। हाँ सुखा, टायर बिल्कुल सही कह रहा है। ए, उसने भाई के ऊपर गन रख दी थी, हमें छोड़ देगी क्या? ए, सब लोग चुप हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ अभी। सोचने का टाइम नहीं है सुखा, चलो चारों लोग मिलकर चारों तरफ से उसमें अटैक करते हैं। चलो चलो। कमीने यहाँ आकर छिप कर बैठे हैं। चलो देखते हैं। कहाँ गए थे तुम लोग? उस तरफ देख रहे थे मैडम। इन सबको उठा कर ले चलो। यस मैडम। चल 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 शिवप्पा अंदर डालो इन लोगों को। ठीक है मैडम। चल तो चल अंदर। मैडम क्या किया इन लोगों ने? किडनैपिंग या रेप? दोनों ही नहीं। तो फिर क्या किया बताइए? ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, मेरे जैसे को लेकर जाना चाहिए हेल्प के लिए। हेल्प के लिए? मेरी या फिर इन गुंडों के लिए? मैडम आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्रिमिनल्स की हेल्प मैं क्यों करूंगा? नहीं करोगे तो अच्छा है। तुम्हारे लड़कों को अरेस्ट करके ले आई। बात यह है कि वो मुझे यह बात पता चल गई और मैं आगे क्या हूं? जब वो उन्हें अंदर डाल रही थी तो तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? लॉलीपॉप चूस रहे थे?
तुम रोक नहीं सकते थे क्या? अगर नहीं होता तो बोलो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। सबसे पहले उन्हें रिलीज करो। मैडम महेंद्र, यू साइलेंस, कौन है जो मेरे पुलिस स्टेशन में आकर चिल्ला रहा है? लेकर जाने आया हूँ। स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह बात करोगे तो चलेगा क्या? तो उन्हें यहाँ से लेकर जाएगा, वो कोई बच्चे नहीं है और ना ही ये स्कूल है और ना ही तू उनका बाप है। चल जगह खाली कर जल्दी। किससे बात कर रही हो? सोच समझ के बात करो, समझी? जिससे मैं बात कर रही हूँ वो एक गुंडा है, सूटखोर है, ड्रग सप्लायर, मर्डरर, किडनैपर, ब्ला 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 ब्ला। 100 लोफर मरे होंगे तब तेरे जैसा आदमी पैदा हुआ होगा, समझ गया ना? तेरे लिए मैं वही हूँ, लेकिन इस एरिया के लिए मैं सूरी भाई हूँ, VIP, द किंग। मेरे बारे में तुझे अभी कुछ नहीं पता, तुरंत मेरे लड़कों को रिलीज कर। ए, वो कौन होता है जो मुझे इन्हें छोड़ने के लिए कह रहा है? FIR हो चुकी है, कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। इन सब के मुँह से सच्चाई उगलवा कर तुझे भी अंदर डाल दूंगी, बचने का चांस ही नहीं है। SCP, तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो। एक मिनट के अंदर अंदर मेरी औकात क्या है पता चल जाएगी तुम्हें। हेलो, मैं MLA चतुस्वामी का बेटा मौर्या बोल रहा हूँ। उन चारों लड़कों को छोड़ दो, वो हमारे सूरी के अंडर में काम करते हैं। नहीं हो पाएगा। MLA का बेटा बोल रहा हूँ, छोड़ दो उन्हें। ऑलरेडी FIR रजिस्टर हो चुकी है, ऐसे में MLA बोलेगा तब भी नहीं सुनूंगी, तो उसका बेटा बोलेगा तो सुन लूंगी। छोड़ो उन्हें, ज्यादा बात मत करो। उन्हें छोड़कर तुझे अंदर डाल दूं क्या? क्या क्या कहा तूने? तुझे ही कह रही हूँ, MLA के बेटे, तुझे ही। तू अपने काम से मतलब रखेगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो बातें हो रही है ना कॉल पर, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इसे मीडिया वालों को दिखाकर खबर छपवा दूंगी कि तू क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहा है, MLA का बेटा। चुपचाप फोन रख। SCP, एक सिटिंग MLA से कैसे बात की जाती है तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर जरा भी डर नहीं है क्या? डर जाऊंगी? मैं तेरी तरह कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम्हें उस दिन मेरी होर्डिंग चलानी नहीं चाहिए थी। मैं क्या हूँ दिखाऊंगा तुझे, बस 2 दिन की बात है। तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करवाऊंगा जहाँ पानी भी नसीब नहीं होगा, नहीं तो मेरा नाम सूरी नहीं होगा। ए, चुप। कर्नाटक में पानी और छत न हो ऐसी कोई जगह ही नहीं है, और अगर ऐसी जगह कोई होगी तो वहाँ के लोग बहुत दरिया दिल होते हैं। खाने के लिए चावल और पीने के लिए पानी, और सोने के लिए थोड़ी बहुत जगह तो दे ही देंगे। नाम चेंज करने के लिए रेडी हो जा शिवप्पा। यस मैडम। अरे क्या है ये? इसने तो मुझे रास्ते का गुंडा समझ रखा है। भाई हमें जबरदस्ती यहाँ रखा है, यहाँ से निकालो भाई। ए, चुप रह, बात कर रहा हूँ ना। सुनो, कुछ भी करके मेरे लड़कों को बाहर निकालो। सूरी, लड़कों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई कम नहीं, बस इन्हें बाहर निकालो। सूरी तुम पहले घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। देख तू चिंता मत कर, 4-5 दिन तक मेरे टच में मत रहना। काम खत्म करने के बाद फोन करूंगा, जाओ। कामराज, अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा। जाना यार। भाई, ए, बोलो ना, वो सब देख लेगा, सब अरेंज कर देगा वो। सर, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। ACP के हाथ से खाया ना? चलो बताओ क्या चाहिए। सर, बिरयानी खाएंगे सर। हाँ, वो लगाने से पहले मुझे भी थोड़ा खिलाना, उसके बाद मैं मंगा लूंगा। ए, ओपन करो। ओके सर। ये मुझे दो। सर। सॉरी यारो। सॉरी क्यों बोल रहे हैं सर? नमस्ते मैडम। हेलो कामराज, उन चारों लड़कों को जज के घर पर लेकर आओ, मैं तुम्हें सीधे वहीं पर मिलती हूँ। मैडम, एक इमरजेंसी केस आ गया है, इसलिए एक काम करता हूँ, सबऑर्डिनेट के साथ भेज देता हूँ। ओके। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। ओके मैडम, ठीक है मैडम। हेलो, चारों लड़कों को
गुड मॉर्निंग सर। क्या मर्दिनी, तुम घर पे आई हो, क्या बात है? सर, हमने 4 लोगों को मर्डर के केस में अरेस्ट किया है। स्टेशन पे रखेंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होगा, इसलिए यही आपके सामने उन्हें प्रेजेंट कर रही हूँ। कौन है वो लोग? सूरी के लोग हैं सर। बुला, ठीक है, बुलाओ उन्हें। ओके सर। ये चारों लगना क्यों रहे हैं? हाँ, तुम्हें इनका ठीक से ख्याल रखने के लिए कहा था ना मैडम। आपके जाने के बाद इन सब ने मिलकर पुलिस स्टेशन में बहुत कोहराम मचाया। सर ने थोड़ा वर्कआउट करने के लिए कहा, इसीलिए मैंने थोड़ी मरम्मत कर दी। ऐसी बातों पर मैं भरोसा कर लूंगी क्या? अगर आप चाहें तो सर से पूछ सकती हैं। तुम लोगों के बारे में अच्छे से जानती हूँ। चलो ले, ले। गुड मॉर्निंग सर। सर, मर्दनी, क्या इन लड़कों को इस तरह मारा तुमने? ये तुम्हारी गलती, वो भी तो इंसान है। गलती इन्होंने की है या नहीं की है ये कोर्ट डिसाइड करे। उससे पहले तुम्हें इस तरह से इन्हें मारना नहीं चाहिए था। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। पहले इनका फास्ट एड शुरू करो, उसके बाद तुरंत इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। यस सर। चल। बाप रे। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। ओके। मैं वहीं आती हूँ। ठीक है मैडम, चलो। जरा आंखें खोलो। सिस्टर, इन दोनों को इंजेक्शन दे दो। ओके डॉक्टर। अरे बाप रे। एसीपी, देखी ना मेरी पावर, कैसे बाहर निकाला अपने लड़कों को। ए सूरी, तेरे जैसा बेकार इंसान आज तक मैंने भी नहीं देखा। ज़बान संभाल के। ए, सुन चुपचाप। डायरेक्ट छुड़ाकर नहीं ले जा पाया, इसलिए इतना नाटक कर रहा है, बिल्डअप दे रहा है क्या? लगता है बहुत जलन हो रही है तुझे। मेरे जलने से ज्यादा तेरे अंदर का डर दिखाई दे रहा है, इसलिए इतना काफी है। क्या कहा? सूरी को डर लग रहा है? अगर डर लगता तो तुझे फोन नहीं करता ना। तुझे डर है इसलिए तो खुद लड़कों को छुड़ाने आया था, नहीं तो उन्हें यही छोड़ सकता था। ये तेरे लिए एक सैंपल है। इतना होने के बाद भी अगर तू चेंज नहीं हुई तो तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। पुलिस हूँ मैं बे, एसीपी मर्दनी नाम है मेरा। न्याय, नीति, धर्म को बचाने के लिए ये यूनिफॉर्म पहनी है। ये यूनिफॉर्म पहनने से पहले तेरे जैसे क्रिमिनल का सामना करना पड़ेगा ये पता था मुझे। पता होने के बाद भी मैंने ये पहनी है, इसका मतलब मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, समझा ना? ए, क्या हर बात से पहले ये करता रहता है? योर काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ। तू अगर खुद ब खुद आकर सरेंडर करेगा तेरे लिए अच्छा रहेगा। फोन रख। कुछ ना कुछ करके इसे उठाना ही होगा। डॉक्टर से बात की क्या? हाँ बात की मैडम, अगर आपको कुछ बात करनी है तो मैं बुलाता हूँ। जरूरत नहीं है, कम से कम यहाँ इनका ख्याल रखो। ओके मैडम। 2 कांस्टेबल को मैंने यहाँ परमानेंटली लगा दिया, वो नजर रखे। कौन है वो लोग? यही है मैडम।
ठीक है, बी केयरफुल, मैं चलती हूँ। ओके मैडम। हेलो सॉरी, मैंने इन सबको हॉस्पिटल में डाला। अच्छा, अरे वाह, अच्छा हुआ। रिलैक्स मत हो सूरी, इन लड़कों को कैसे छुड़ाना है वो प्लान करो। ए, उससे पहले तेरे उस एसीपी को उठाना होगा। ए, और ये सब बिल्कुल मत करना, पहले इन लड़कों को सेफली यहाँ से निकालो, बाद में उसे उठाने का प्लान बनाएंगे। ए, बस रहने दो, उसे उठाया तो सब काम आसान हो जाएगा, उठते बैठते घूमते हर वक्त उसी का टॉर्चर चलता है। सूरी, मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, आज रात हॉस्पिटल में आना और कांस्टेबल को पैसे देकर इन लड़कों को लेकर जाना। भाई अब क्या करें? फैमिली पैक बिरयानी ऑर्डर की है मैंने। कमीने कहीं के। लड़के मुझे चाहिए। सर दया करके इसे अपने पास ही रख लीजिए। सर अगर पता चल गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सर मैं कौन हूँ पता ना तुम्हें? मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, फिर काम करो। सर अगर एसीपी मैडम को पता चला तो वो हम सब लोगों को अंदर डाल देगी। इसके साथ लो ये भी रख, चलो। ओके सर, लेकर जाइए ना। ए, ले क्या? वैसे भी आप इसे लेकर जा ही रहे हैं, पर आप ऐसे चले गए तो हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी सर। सर इनके बदले आप हमें मारोगे ना तो हम एसीपी मैडम को बता देंगे कि हम दोनों को यही लोग मार के भागे। खिलाड़ी हो तुम दोनों, तो तुम्हारे जैसे लोगों को डिपार्टमेंट में होना चाहिए। चलो ठीक है, आ जाओ। हेलो, व्हाट? कब हुआ? मैं अभी आती हूँ, आई एम कमिंग। क्या कह रहे हो, ऐसी बात है क्या? हाँ सर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, दोबारा बात करेंगे। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये सब कब खत्म होगा पता ही नहीं चल रहा है सर। सर कार का नंबर मिल गया है सर, KA11M2692। ये कार इकबाल के नाम पर है। सर इकबाल सूरी के अपोजिट गैंग का है, वो भी गुंडा ही है सर। झगड़ा तो एसीपी और सूरी के बीच में हुआ, लेकिन इस सीन में इकबाल कैसे आ गया? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। इकबाल को बुलाओ। ठीक है सर। शिवप्पा जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत बताना। ठीक है सर। तुम लोग अभी जा सकते हो। सर
नमस्ते सर, मेरा नाम इकबाल है। हाँ, क्या काम करते हो? मेरा एक गैरेज है सर, उसी में मैं कार रिपेयर करता हूँ। गाड़ी नंबर K11M2692, पता है क्या तुम्हें? वो गाड़ी मेरी है सर, पर क्या हुआ सर? ए, नाटक मत करो, सच बताओ, क्यों किया ऐसा? सर, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर, जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ नहीं पता। ए, इसी गाड़ी से हमारी एसीपी मर्दनी का एक्सीडेंट किया गया है। एक्चुअली ये एक्सीडेंट था या मर्डर का प्लान बनाया था? वो गाड़ी मेरी है सर, और उसे चलाने वाला लड़का भी मेरा है। मैं उस लड़के को यहाँ बुला लेता हूँ सर, एक मिनट रुकिए सर। हे शादाब। हाँ बोलिए भाई। उस सैयद को लेकर डीसीपी साहब के ऑफिस में आ जा। हाँ, ठीक है भाई। मैं यहीं पर हूँ, जल्दी लेकर आ जा। हाँ भाई। हाँ सर, वो उसे लेकर आ रहे हैं। हाँ आ जा, जा जल्दी आ जा। आओ चल चल, पता नहीं क्या किया तूने। आजा जा, आना। सर यही लड़का सैयद है। सलाम साहब। वो कार यही चला रहा था सर। वो कार ड्राइव कर रहा था क्या? हाँ सर। तो फिर एक्सीडेंट क्यों किया? ए, सर जो पूछे बताना। सर मुझे सुपारी मिली थी कि गाड़ी में जो लड़की है उसे उड़ाना है, इसीलिए पैसे लेकर मैंने ऐसा किया सर। ए, तुझे पता है उस बाइक पे कौन था? हमारी एसीपी मर्दनी। सर मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, वो एसीपी है, मुझे नहीं पता था सर। सूरी का एक 25 नाम का लड़का है, उसका फ्रेंड मेरा फ्रेंड है सर, उसी के जरिए मुझे सुपारी मिली थी सर, तो मैंने पैसे के लालच में कर दिया सर। सर ये हमारा ही लड़का है, आप इसे जो सजा देना चाहते दे सकते हैं। शिवप्पा। यस सर। इसे स्टेटमेंट लेकर FIR रेडी करो और इसे कस्टडी में ले लो। ओके सर। बार आज से तुम्हारे सारे गलत धंधे बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो अगर तू फंस गया ना तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। चलता हूँ सर। सलाम सर। चलो चलो। अबे हटना। अंदर कहाँ जा रहे हो? ए सूरी, तू जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे घर में आके मेरे लड़कों को मारने के अलावा मुझसे ही ऊंची आवाज में बात करता है? आज तो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, पर कुछ दिन में टिकट कटवा दूंगा तेरा। पहले तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, अब क्या उखाड़ लेगा मेरा? सेटलमेंट के समय तुमने मेरे छोटे भाई को जान से मार दिया, इतना सब होने के बाद मैं चुप बैठ जाऊंगा, ये मत समझना तेरा गैंग खत्म होगा। तेरा ही मुहूर्त रख देता हूँ मैं, तेरे भाई को हमने कोई प्लान बना के नहीं मारा है, अगर मैं किसी को मारने का प्लान बना लेता हूँ ना तो वो कभी मिस नहीं होता। अबे मैं तेरे जैसा फाटू नहीं हूँ, ताकत है मुझ में, सीधा वार करता हूँ मैं। पर ये सब छोड़कर तूने मेरी ही गाड़ी हायर की और मेरे ड्राइवर का इस्तेमाल करके उस ACP का मेरे ही आदमी से मर्डर करवाना चाहा। थू, अबे कैसा मर्द है तू। ए मंदाकिनी, तू तो ऐसी ही है ना, मैंने 3 दिया तो तू मेरी तरफ से, किसी ने ज्यादा दिया तो उसकी तरफ से। हे निशा, इस पर भरोसा मत कर, पता है किस लिए? क्योंकि ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसे मैं ही खत्म करूंगा। गन मेरे पास भी है, तेरा टाइम नजदीक आ चुका है, चल जा बे। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ए सूरी, ऐसे समय पे बचपना नहीं दिखाते। पहले ACP का केस सॉल्व हो जाने दो, बाद में देख लेंगे इसे। सुनिए, वो कुर्सी ले आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। 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 कैसी हैं मैडम? ठीक हूँ शिवप्पा। दर्द कुछ कम हुआ क्या? हाँ हो गया। भगवान बड़ा है। बैठ जा बेटी। बैठ जाओ बेटी। थैंक यू पापा। नमस्कार सर, ये लीजिए। मैडम को देखने आ रहा था, खाली हाथ कैसे आता? नमस्ते सर। नमस्ते शिवप्पा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? ऐसे ही होता है, डिपार्टमेंट में अगर रिस्क लोगे तो यही नतीजा होता है। मैडम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब से इनके साथ हादसा हुआ है मेरा तो मन ही नहीं करता पुलिस स्टेशन जाने का।
मर्दिनी, ये सब क्या है? तुम ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गई? कुछ दिन और रेस्ट कर लेती तो अच्छा रहता ना। माँ, अगर मैंने ज्यादा आराम किया तो बाकी सारे एक्टिव हो जाएंगे, और अगर मैं एक्टिव हो गई तो बाकी सारी इलीगल एक्टिविटीज पर बैन लग जाएगा। मर्दिनी, ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, मैं होशियारी से काम करूंगी। ठीक है, चलती हूँ। बाय माँ। मर्दिनी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सर। वेलकम बैक मर्दिनी। थैंक यू सर। अब कैसी हो तुम? अब मैं फिट एंड फाइन हूँ सर। गुड। तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इट वाज प्लान्ड अटेम्प्ट टू मर्डर। तुम्हारे साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आगे से कोई ऐसा करने की सोच भी ना पाए, समझ गई? सर, मैं सब कुछ हैंडल करूंगी और उन्हें सबक सिखाऊंगी। वैसे तुम्हारे काम की एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन मैं उसे बाद में दूंगा। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? मैं आपको अपडेट कर दूंगी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विल अपडेट यू सून सर। तू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन तू तो वापस आ गई सीपी। हाँ बे कमीने, जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगी तभी तो तुझ जैसे कमीने को जेल में रेस्ट करवा पाऊंगी ना। अभी अभी मौत को छू करके वापस आई है तू। फिर भी तेरी हिम्मत कम नहीं हुई। उड़ना मेरी पैदाइशी खासियत है, ये उड़ान तेरे अंत के बाद ही खत्म होगी। मुझ पे गर्मी दिखाती है। गरम गरम चाटे, टेस्टी टेस्टी लाते, तुझे दिन में तारे दिखा दूंगी। ये ले तू भी खा, ये ले तू भी, और तुझे भी खाना होगा। ए, अपने बदमाशों को चुपचाप साइड में खड़े रहने के लिए बोल, ऐसे 10 लोग भी आ जाएं तो इसी तरह से लात खाएंगे। फिलहाल तो मेरा हाथ बोल रहा है, अगर दिमाग घूम गया ना तो मेरी गन बोलेगी। ए, तू ज्यादा ही ओवर कर रही है एसीपी। गेम तो अभी शुरू हुआ है, अभी से ओवर बोलने लगा? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगले 24 घंटों के अंदर तेरी फाइल रेडी करके विद वारंट मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सूरी, कूल होकर सोचो। क्या खा कूल होकर सोचूं? इतने दिन तक जो तुमने उसके साथ डायरेक्टली डील की उसे खत्म करो। तो उसे छोड़ के किसके साथ डील करूं? उसके फैमिली को टारगेट करो। सबसे पहले उसकी फैमिली के फुल डिटेल्स निकालो। मैंने सुना है उसकी एक छोटी बहन और उसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी है। आगे क्या करना है ये तो तुम्हें पता है ना? इतना काफी है, अब देखो मैं कैसे खेल खेलता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ। कौन हो तुम लोग? हम यहाँ क्यों उठा कर लेकर आए हो? कौन हो तुम लोग? मैं तेरी बहन के बेस्ट फ्रेंड है। फोटो शूट करने के लिए कहा है, इसलिए बुलवाया तुझे। हमें फोटो शूट नहीं करवाना है, हमें घर जाना है। हाँ।
सूरी भाई ने फोटो शूट फिक्स किया है, मना नहीं कर सकती। सूरी भाई कौन है वो? यस, मैं हूँ वो सूरी भाई। दोनों पार्क में पेड़ के नीचे बैठ के हग करते थे ना, वैसे ही करो ना। नहीं, मैं हग नहीं करूंगा। प्लीज छोड़ दो हमें। सर, दया करके हमें छोड़ दीजिए। हग कर मैं। बेवकूफ है क्या? पीछे से कोई हग करता है क्या? आगे जाके हग कर मैं। ए, आगे बैठ। बैठ 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 जा कर, बैठ जा बैठ जा। अब तुम दोनों वो पार्क में जैसे किस करते हैं ना, वैसा करो। साउंड नहीं आना चाहिए। ए, चल शुरू हो जा, चल। ए, कमीने, अबे पास जाके लिप टू लिप किस करना, मैं करूं क्या? चल कर, आजा। लिप टू लिप किस कर, ठीक से पकड़, ठीक से पकड़, कर कर करना। या, आई एम लुकिंग इनटू इट, डोंट वरी। हाँ, ओके, ठीक है, मैं कॉल बैक करती हूँ। हेलो एसीपी। बोल बे, सरेंडर करने के लिए मुझे फोन किया है क्या? ए, सबसे पहले व्हाट्सएप खोल के दे, बाद में बात करना। ए, सूरी! क्या ये बोल रही है? तेरे दिए हुए 24 घंटों में नहीं, सिर्फ 3 घंटों के अंदर काम खत्म करके दिखा दिया। ए, देख सूरी, मेरी फैमिली को बीच में मत ला। मैंने भी तुझसे यही बोला था ना कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन तू नहीं मानी। अब मेरा टर्न है, 24 घंटे का टाइम देता हूँ, तुझे सारे केस क्लोज कर दे, नहीं तो तेरी बहन का फोटोशूट पूरा देश देखेगा। देख सूरी, उन दोनों को कुछ मत करना। अरे, शूट खत्म होने के बाद आर्टिस्ट को अपने पास रख के क्या करूँगा, उन्हें तो मैंने कब का घर भेज दिया है। याद रखना, तुझे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंजलि, अंजलि, दीदी, प्रशांत को फोन करो अभी। क्यों दीदी? बाद में बताती हूँ, पहले फोन करो। ये लो। हाँ अंजलि। प्रशांत, मैं मर्दिनी बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर में आ जाओ। क्यों मैडम? जस्ट लिसन टू मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो योर फैमिली माइट गेट इनटू ट्रबल। ठीक है मैडम, मैं अपनी फैमिली के साथ आधे घंटे में आपके घर आता हूँ मैडम। ओके। ये सब क्या है? नहीं जी, तुम्हें पता? मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। नहीं, क्या चल रहा है? ये सब क्या है बेटा? नमस्ते। 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 मैंने आप सबको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। दरअसल बात यह है कि क्या है ये सब? ऐसा करके तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब क्या है? हाँ, प्लीज
इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। मर्दिनी, तुम कह रही हो कि इन दोनों की गलती नहीं है, तो फिर ऐसी फोटोज किसी और ने खींच के डाली है क्या? हाँ, ये फोटो किसी और ने खींच कर मुझे भेजी है। मर्दिनी, क्या कह रही है तू? हाँ माँ, मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया गया है, और इन सब के पीछे उस बदमाश सूरी का हाथ है। 24 घंटे के अंदर मैंने उसे अरेस्ट करने के लिए कहा था, इसीलिए उसने ये सब किया है। और मैंने उसका केस क्लोज नहीं किया तो वो कह रहा है कि इन फोटोज को वायरल कर देगा। अंजलि, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है। 24 घंटों के अंदर इस प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व करूंगी, पर तब तक के लिए आप सब लोग प्लीज मेरी बात मान लीजिए, ये फोटोज वायरल नहीं होंगी। जो फैसला मैंने लिया है उसमें सबका भला हो भगवान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगल सूत्र लीजिए। मांगल्य धारण मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक मिनट रुको, फोटो खींचती हूँ। आप सब लोग घर जाइए, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, वो करके आती हूँ। ठीक है, चलो। बेटी मेरी बात सुनो, जरा होशियार रहना। शिवप्पा, मंदिर में आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। इस बार सही प्लान करके फंसाया है, अब क्या करेगी बेचारी, अपने रास्ते पे ही आएगी देखना। देखो एसीबी का फोन है। रुको देखता हूँ। क्या एसीबी, इतनी जल्दी कॉल कर दिया, क्या हुआ? फोटोज वायरल ना कर दूँ इस बात का डर है क्या? ए बेवकूफ, तू फोटोज वायरल करना भूल जा, पहले जो मैंने भेजा है वो देख। क्या व्हाट्सएप देखूं? ए, क्या ये? इन दोनों की शादी करवा दी? किसने पूछ के शादी करवाई तूने? शादी करवाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी बहन की शादी थी तो मैंने करवा दी। शादी के बाद फोटोज वायरल ना करूं ऐसा नहीं होता है, अभी अभी वायरल कर रहा हूँ। हाँ, तू ऐसा करेगा मुझे अच्छे से पता था, और इसीलिए साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके FIR रजिस्टर करवा चुकी हूँ। फोटोज तेरे फोन से आई हैं, और वो भी डायरेक्ट मेरे फोन पर। अब तो तू फंस चुका है कमीने। मैं कुछ प्लान करता हूँ तो उसका उल्टा तरीका निकाल लेती है। ए, एक क्रिमिनल होकर जब तुझ में इतना दिमाग है तो कड़ी मेहनत करके IPS का एग्जाम पास करने वाली पुलिस ACP मर्दिनी, मेरे पास कितना दिमाग होगा? कल तूने मुझे 24 घंटों का टाइम दिया था ना, अब मैं तुझे टाइम देती हूँ। क्या मुझे टाइम देगी? कितना टाइम है बोलना, इतने में मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। सिर्फ एक सेकेंड। क्या, एक सेकेंड? हाँ यार, अब मेरी स्लो मोशन वाली एंट्री देख ले। पिक्चर देख रहे हो क्या? चलो मारो इसे, दिखाते हैं हम क्या हैं। ए, ए, और मुझे, ए, ए, एमसीपी, और मुझे, शॉट, ए, एमसीपी।
क्या खुद का तो क्या चामुंडी हो गई तू? मैंने सुना है तेरे सारे ड्रामे, ये सब जानने के लिए मैंने डायरेक्ट एंट्री ले ली है। ए, तू कौन है बे? मैं कौन? मौर्य, सन ऑफ चिक्स्वामी, रेजेंट एमएलए का बेटा। मेरे दोस्त सूरी का पीछा छोड़ दे, यही अच्छा रहेगा तेरे लिए। नहीं तो? नहीं तो क्या, बोल ना। तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगी। ओह, कंफ्यूजन है। सूरी के हाथों में हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में चक्कर लगवाऊंगी। अगर तू भी यहीं खड़ा रहा तो उसके साथ में तुझे भी खींच लूंगी। तू मुझे चैलेंज कर रही है? तू अभी देख मैं तुझे कैसे गायब करवाता हूँ। ए, तो कुछ नहीं कर पाएगी। अभी आ भाई। हाथ मत करो कमीने, तुम लोगों को बचाने के चक्कर में मैं फंस गया। ये सब कुछ तुम चारों की वजह से हुआ। गलती हो गई भाई, अनजाने में हमसे गलती हो गई भाई, प्लीज माफ कर दीजिए ना। एरिया में कोई पुलिस ऑफिसर आता था तो उसे भगा देता था मैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से इस घर की चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर हूँ। भाई अगर आप कहेंगे तो हम लोग उसे उठा लेंगे। तेरी तो क्या उठाएगा बे? अबे पागल, उसने हमें बांस उठा के यहाँ पटक दिया। चुपचाप बैठ नहीं तो तेरी। कैसे हो? फाइव स्टार होटल में रहने वाली की सिंगल होटल में रहने की नौबत आ गई है।
मेरी सिचुएशन सही नहीं है भाई। ठीक है, एक काम करो, बेंगलुरु आ जाओ, तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। बेंगलुरु? What is this मर्दिनी? Sorry sir, सूरी भाग गया। बुरा मत मानना, लेकिन तुमने आज बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ काम किया। वो सूरी कितना खतरनाक है जानने के बाद भी बिना किसी तैयारी के तुम्हारा वहाँ जाना गलत है। कम से कम 10 पुलिस वालों को साथ लेके जाना चाहिए था। सर, मेरे पास वारंट था, इसलिए मैंने सोचा कि वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने अटैक किया। जिस गाड़ी से भागा है उसका नंबर सर्कुलेट कर दिया गया है, शहर के आउटस्कर्ट्स में चेकिंग बढ़ा दी है। ये एक बेवकूफी भरा काम था। सॉरी सर, विद इन 48 आवर्स सूरी को मैं पकड़ कर लाऊंगी। इस प्रोसेस में हो सकता है दोबारा मुझ पर अटैक हो, इसलिए मेरी प्रोटेक्शन एंड फॉर सोसाइटी सेफ्टी उसके एनकाउंटर का ऑर्डर दीजिए सर। ठीक है, वो बंदोबस्त मैं कर दूंगा। थैंक यू सर, एंड वंस अगेन सॉरी सर, इस बार सूरी जेल में होगा, नहीं तो शमशान में 6 फुट नीचे होगा। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। भाई नमस्ते भाई। आखिर तुम बेंगलुरु आ ही गए। आप बुलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि मैं ना हूं? क्या हुआ, बहुत डरे हुए दिख रहे हो। यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ भाई, प्रॉब्लम तो है ही। मैं भी एक प्रॉब्लम में हूँ, मेरा छोड़ो, अपना बताओ। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या हुआ अगर बताऊँ तो? एक्चुअली मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। आपको प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे। मेरी प्रॉब्लम अगर तुमने सॉल्व कर दी तो तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। आप एक बार बोलो तो सही भाई, मैं सॉल्व कर दूंगा। इस बार इलेक्शन के टाइम पर टिकट मेरे हाथ से चली गई और इसका कारण वो विश्वनाथ पुजारी है। अगर तुमने उसे किसी तरह टपका दिया तो मुझे टिकट मिलना कंफर्म है। अच्छा, तो उसे मारना है क्या भाई? ओके, यहाँ तक तुम आ गए हो, इस मंगलूर में भी तुम्हारी हवा बननी चाहिए। अगर मुझे टिकट मिल जाएगी तो मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। मैं मिनिस्टर बनकर ही रहूंगा। मेरे मिनिस्टर बनने के बाद तुम सबको सेव कर दूंगा। किसी भी तरह से तुम उसको खत्म कर दो। खत्म कर दोगे ना? आप टेंशन मत लो भाई, मैं करता हूँ। बोल सूरी। गुरु, हम लोग बेंगलुरु में हैं, जल्दी से आ जाओ। ए सूरी, यहाँ फंसा था उतना काफी नहीं हुआ क्या? मंगलूर भी पहुंच गया फंसने के लिए। ए, तेरी संगत नहीं चाहिए मुझे, बहुत हुआ। ठीक है, मैं रात में वहां पहुंच जाऊंगा। टेक केयर, सावधान रहना भाई। आपका काम हो गया समझो। कैसा है सूरी? सूरी, ये कौन है? अपने ही लोग हैं, डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट वाला? नमस्ते सर, मुझे अपना ही समझो, वैसे आपका नाम नहीं पता। शेट्टी, नीलकंठ शेट्टी। चलो पार्टी करते हैं। सुबह सुबह? हमारे यहाँ मेहमान आने के बाद हम समय नहीं देखते, पार्टी शुरू करो। चलो। नमस्ते मैडम। तुम्हें मैंने यहाँ पर सूरी के बारे में जानने के लिए बुलाया। बोलिए ना मैडम। इस सूरी का बैकअप सपोर्ट कौन कौन है?
उसको सपोर्ट कौन करता है? मैडम उसे शक्ति भाई सपोर्ट करते हैं और वो मैंगलोर में रहते हैं। अभी सूरी लापता है तो फिर क्या वो मैंगलोर में हो सकता है? हाँ हो भी सकता है मैडम, जो उसके बहुत ज्यादा क्लोज है वो मंदाकिनी और निशा है। अगर उन दोनों को पकड़कर उनसे पूछताछ करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है तुम जा सकते हो। चलता हूँ मैडम। मंदाकिनी निशा। आप हो भाई? तो हफ्ता क्यों नहीं मिल रहा? उसको हफ्ता मांगता है बस। सॉरी भाई, हमारे एरिया में एक नई लेडी एसीपी आई है, उसने धंधे को फुल टाइट कर दिया है। मैं भी अभी फुल टाइट हो जाऊंगा। शेर घास नहीं खाता है और ये भाई धंधा नहीं छोड़ता है। जल्दी उसे कॉन्फ्रेंस में डाल। ओके अभी डालता हूँ। जल्दी डाल जल्दी। कुल्फी, तू मर्द नहीं है तो खुद को मर्द समझती है? मेरे धंधे के बीच में कोई भी आता है तो जिंदा वापस नहीं जाता, समझ रही है ना तू? ठीक है, सब देख लूँगा। सी यू सून। सर चल चल पीछे। चल 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 चल। ऐसे बैठने के लिए तेरे पास बहुत टाइम है ना? वैसे तेरा बेस्ट फ्रेंड सूरी इस वक्त कहाँ है बता? मुझे नहीं पता। अब तो याद आ गया होगा ना? निशा को पता होगा। वो कहाँ है? फोन करके यहाँ आने के लिए बोल उसे। हाँ दोनों को फोन करके बुलाया है, तू जल्दी आ जा। अच्छा सुबह ही उसने फोन किया था लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इससे पहले फोन करके बोला था उसने। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो मैं तुरंत आपके पास आ जाती हूँ। हाँ जल्दी आ जा। अरे रे 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 रे। मेरा दिल पिघल गया तेरी एक्टिंग देखकर। मैं अकेले खाई में नहीं गिरना चाहती इसीलिए। वाह कमाल की फ्रेंडशिप है तुम दोनों की, शाबाश। अपना फोन देना। पर क्यों? हाँ गेम खेलने के लिए। ये लो। मैडम उन सब का फोन लेकर मैंने उन्हें रूम में बंद कर दिया है। शिवप्पा हमारी सारी गाड़ियों को दूर ले जाओ, नहीं तो जब वो आएगी गाड़ी देखकर वो समझ जाएगी कि हम यहाँ हैं। ठीक है मैडम, मैं अभी गाड़ी को दूर लगा कर आता हूँ। हे सूरी कहाँ है? सूरी आया था क्या? वो नहीं आएगा, हम वहाँ जाएंगे। निशा भागने की कोशिश बिल्कुल मत करो, नहीं भाग पाओगी। निशा तू अपने बॉयफ्रेंड को कॉल नहीं करेगी क्या? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये नहीं खुला तो लगता है यहाँ कोई मुंह नहीं खोलेगा है ना? सुबह मैंने फोन किया था उसे, वो अभी बैंगलोर में है। दोनों का फोन कलेक्ट करके इन्हें गाड़ी में बैठाओ। मैडम ले जाओ इसको गाड़ी में बिठाओ। चलो तुम भी। हाँ जल्दी चलो। सब रेडी है ना? हाँ भाई हाँ भाई।
लोकल लड़कों को मैंने केक काटने के लिए यहीं पर लेकर आने के लिए बोला है। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मार रहे हम लोग। भाई पैदा करना उसका धर्म है लेकिन ऊपर भेजना हमारा कर्म है। क्या बेटा बहुत पंचिंग डायलॉग मार रहे तू तो। कार आ गई लगता है भाई लोग। चलो साइड हट जाओ भाई आ गए। चलो ऑटो ऑटो रास्ता छोड़ो भाई आ गए। भाई आ गए। चलो बस चलो भाई को उतरने दो। चलो भाई जय। आइए भाई आइए आशीर्वाद दीजिए। सवाल पड़ता है ना। तुम लोग का साथी मेरे लिए सब कुछ है। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। कौन है ये लोग? अपने ही बच्चे हैं सर। हाँ भाई हमारे घर के लोग ही हैं। अच्छा 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 ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लगाइए भाई। हैप्पी बर्थडे टू माय हैप्पी बर्थडे टू माय हैप्पी बर्थडे टू माय हैप्पी बर्थडे टू माय। तुम्हारा भाई कहाँ है? सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? हमारे भाई ने हाथ रखा है ना तो गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा सर। सर आपका ग्लास खाली होने तक ना हमारे भाई का फोन आ जाएगा आपको। आएगा कि नहीं क्या पता। देखिए ना सर मैंने कहा था ना कि ग्लास खत्म होने से पहले भाई का कॉल आ जाएगा। हेलो सॉरी क्या हुआ भाई? काम हो गया। काम हो गया भाई। आ जाओ लैंड पार्टी अरेंज करता हूँ। आ जाओ। आता हूँ भाई। चीयर्स। ए सॉरी तू तो वहां से भाग कर यहाँ आकर इस तैरने वाले बेड पर जिंदगी बसा लेगा क्या? तूने मुझे कॉल किया था उस कॉल को उसने रिकॉर्ड किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वापस तुझे ढूंढते यहाँ तक आना पड़ा मुझे। और इसके साथ ये खाकी भी यहाँ पर है। तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। क्या बिगड़ गया? तुम सब लोग यहाँ पर हो इसीलिए जलती हुई आग में हाथ डाला था। वो इतनी जिद्दी हो गई ये बात मुझे नहीं पता थी। अरे 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 वो कोई औरत है थोड़ी नरम पड़ेगी मैंने ऐसा सोचा था मगर उसने जीना हराम कर दिया। नरम तो नरम उसकी वजह से हमारी रूह कांप गई। ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देखे बिना सो नहीं पा रही है इसीलिए यहीं पे आने के लिए बोल रही है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आने के लिए क्यों बोला? तुझे अगर इतनी ही खुजली है ना यहाँ की कोई लोकल आइटम का बोला चाहे तो शेट्टी जी से मांग ले। hey, तूने मुझे दलाल समझा है क्या? मैं अभी एमएलए बनने वाला हूँ संभल कर बात करना। अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो वो पुजारी जहाँ गया ना वहीं पर सबको भेज दूंगा। तुम सबके बोटी बोटी काट कर नमक में मिलाकर बहा दूंगा पानी में। ए ब्रोस कूल कूल। अगर हम आपस में दुश्मन बन गए तो दुश्मनों के लिए हमारा खात्मा करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके डोंट वरी आई विल हैंडल ऑल दिस। एक मामूली लड़की को मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग। इसकी तो अरे भाई रुको 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 ए रुक ये वो नहीं है वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या बोल रहा है? टेक इट इजी कूल बैठिए चल जा। कह रहा था ना तुझे नींद नहीं आ रही है ये अच्छे से थपकी देकर के तुझे सुला दे। चुप हो जा यार तू भी ना तेरे नाम ही काम है। ओ मंदाकिनी। यस मैं हूं। तुझे भी चाहिए ना बॉडी मसाज इसीलिए निशा के साथ नशा करने आई हूँ। निशा तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मुझे देखते ही गले लगा लेती थी लेकिन आज नहीं किया। क्या बात है जर्नी करने की वजह से थक गई हो क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो? ठीक है चलो चेयर अप।
तुम्हारी थकान दूर होने तक मैं बॉडी मसाज करूंगा, ओके? एक तू ही है जिसने मुझे समझा है। सॉरी ब्रू, बस मैं एक मिनट में आता हूँ। कामराज, सर्विस रिवॉल्वर से हायर ऑफिसर पर अटैक करने पर क्या सजा होती है ये तुझे अच्छे से पता है। नाउ पुट योर गन डाउन। शिवप्पा, गन्स कलेक्ट कर लो। ठीक है मैडम। अबे तेरी तो, अब क्या करेगी? एक कॉन्स्टेबल ने मेरी सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर ली, ऐसा स्टेटमेंट दूंगा मैं। ये चेहरा तेरी संगत में था ना, इससे तो मोक्ष मिलनी ही चाहिए ना? कामराज, अगर ऐसा करके तू सोच रहा है कि तू बच जाएगा तो आई एम सॉरी। इन लोगों के साथ मिलकर तूने जो भी किया है ना, उन सब का प्रूफ है मेरे पास। तुम लोगों का जो भी डिस्कशन हुआ है पूरा लाइव रिकॉर्ड है मेरे पास। ए लूजर, उस दिन फोन को तूने रिकॉर्ड किया ना, और आज वीडियो बना रही है हमसे बुड्ढे को बचाने के लिए। आ गया ना तू। मेरा गेस सही निकला, और अब फोन रिकॉर्डिंग से लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। ए, हमारे MLA देश की सेवा के लिए बनते हैं। लोग अपनी भलाई के लिए ही उन्हें राजनीति में लाते हैं, लेकिन उनके बच्चे तेरे जैसे घटिया इंसान गलत रास्ता पकड़ते हैं और उनका नाम खराब करते हैं। Ha!
Hello. Sir, Suri and his gang has been eliminated. Mandakini, Nisha aur Shetty ko maine arrest kar liya hai. This mission has been accomplished, sir. Ab koi problem nahi hogi. Very good. Ek aur bada case tumhe solve karna hai. Jaldi se aa jao. Yes, sir. On my way, sir.